हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, इस वीडियो में हम क्लास 10th वालों के लिए भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। जी हाँ गाइज, इस वीडियो में आप देख सकते हो मैंने 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लिया हुआ है। आप लोग देख सकते हो ये न्यूमेरिकल कई साल आपके एग्जाम में पूछ चुके हैं। लाइक आप लोग पहला न्यूमेरिकल देख सकते हो 2011, 12, 13, 16, 17 में पूछ चुका है, और ये दूसरा आप लोग न्यूमेरिकल देख सकते हो 2011, 13, 14, 15, 17, 18 में पूछ चुका है, और उसके अलावा जो तीसरा ही हम लोग का क्वेश्चन है 2013, 14 और 16 में पूछ चुका है। तो चलिए बारी बारी से मैं इन तीनों को एकदम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। एकदम अच्छे से, मान लो एकदम जैसे कहते हैं ना कि माइंड में एकदम बैठा देना, तो मैं एकदम आपके माइंड में इन तीनों क्वेश्चन को बैठा दूंगा। तो आप इस वीडियो को केवल अंत तक देखते रहिए, और गाइज अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे हम लोग करते हैं। देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा, या देखिए 4A लिखा हो, ठीक है, यानी 4 एम्पियर, ठीक है गाइज, ए एम्पियर का मतलब प्रतीक है। ओके गाइज, देखिए मैंने क्वेश्चन में लिख दिया एम्पियर इक्वल टू ए, यानी एम्पियर को हम ए से मतलब ए से दर्शाते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ हम 4 एम्पियर भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं, या ए भी लिख सकते हैं। ओके, तो 4 एम्पियर हो तो 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं हमें मतलब प्रवाहित आवेश की मात्रा यानी Q का मान पूछ रहा है, क्योंकि हम आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि हम जानते हैं विद्युत धारा का जो फार्मूला होता है, यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी आई इक्वल टू Q/T हम लोग का ये फार्मूला होता है। चूंकि जहाँ आई एम्पियर में हो, क्यू किस में हो, कूलाम में हो, और टी किस में हो, सेकेंड में हो, तब यह हम लोग का ये फार्मूला यूज होता है। ओके गाइज, देखिए यहाँ हम लोग का समय किस में दे दिया है, मिनट में दे दिया है, तो यहीं पे आपको ध्यान रखना है। चलिए इस फार्मूले पे हम रखते हैं, चूंकि हम लोग का यहाँ आप लोग देख सकते हो आई जो दिया है वो 4 एम्पियर, ठीक है गाइज, 4 एम्पियर है, ठीक है। उसके बाद क्यू इक्वल टू क्वेश्चन है, और हम लोग का क्या दिया है, टी इक्वल टू 1.5 मिनट दिया है। ओके गाइज, इसको हम सेकेंड में बदल लें, क्योंकि हमें टी सेकेंड में रहना चाहिए, तो इसमें हम 60 से गुणा कर देंगे, सिंपल हो गया। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो 15×6=90, ठीक है गाइज, और ये 0 का 0.1 अंक है, तो यह 1 अंक यानी 90 इसका मान हुआ, ठीक है। टी अब 90 सेकेंड हो गया, मिनट से अब सेकेंड हो गया। अब इस फार्मूले पे हम रखकर क्यू का मान ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि देखिए चूंकि हम लोग का आई का मान 4 एम्पियर, तो यहाँ आई की जगह 4 एम्पियर इक्वल टू अब क्यू, क्यू के स्थान तो कुछ भी नहीं, यही पूछ रहा है, तो क्यू की जगह हम क्यू ही रहने देते हैं, और बटा टी, टी की जगह हम लोग का कितना निकला, 90 सेकेंड निकला गाइज, ठीक है, 90 सेकेंड निकला ना, तो यहाँ हम 90 रख देंगे। ओके, देखिए 90.0 यानी दशमलव के बाद 0 है, तो इसको हम छोड़ देंगे, तो 90 इसका मान, ठीक है। अब देखिए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 90×4 हो जाएगा, यानी वही 4×90 हो जाएगा, ठीक है गाइज। देखिए यहाँ 4×90 हो जाएगा, इक्वल 4×90 इक्वल टू क्यू, तो हम पूरे पक्ष को बदल देंगे, क्यू को इधर, 4×90 को उधर, तो कोई चीज़ नहीं बदलेगा, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू 4×90 हो गया, यानी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, ये 4×9=36, 360 क्या कूलाम, क्योंकि क्यू है यानी आवेश है, और आवेश का मात्रक हम लोग का कूलाम होता है। यही आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है गाइज। तो आई होप आप लोग को ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर हो तो 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है, 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। ओके गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर लेता हूं कि आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे और हल करूं तो वो भी दिखाई दे। चलिए इसको मैं इसको अब हटा लेता हूं, थोड़ा इस पर हल करूंगा तो दिखाई देगा। देखिए क्या है, 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो हम सबसे पहले कितने जल सकते हैं, तो हम मान लेंगे, माना, ठीक है, माना कि 250 वोल्ट, ठीक है, वी यानी वी से तो हम विभवांतर को भी और वी से वोल्ट को भी परिचित करते हैं, तो यहाँ वी वोल्ट है, ठीक है, 250 वोल्ट, ठीक है, 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में, ठीक है गाइज, परिपथ में कितने बल्ब, परिपथ में हम मान लेंगे कि एन बल्ब जल सकते हैं, ठीक है गाइज, एन बल्ब जल सकते हैं, मैंने ये मान लिया। ओके गाइज,
चलिए मान लीजिए, मैंने मान ली कि माना कि 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में एन बल्ब जल सकते हैं, ओके। चलिए अब मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो जो वैल्यू हम लोग को दिया है उससे हम पुटअप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग का वोल्ट यानी विभवांतर दिया है, ठीक है, क्या दिया है, विभवांतर दिया है। विभवांतर जो दिया है वो कितना दिया, विभवांतर को चूंकि हम भी से ही प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो होता है वो भी वोल्ट होता है जिसको हम भी से ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वोल्ट, इसका मतलब इधर ये विभवांतर, तो विभवांतर इक्वल टू 250 वोल्ट दिया है धारा, यानी आई इक्वल टू हम लोग का क्या दिया है 5 एम्पियर दिया है, और हम लोग का 25 वाट, यानी देखिए हम लोग का 25 वाट दे, तो चूंकि यहाँ पे हम लोग को P इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी जो पावर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, हमने N बल्ब माने थे तो N गुणे, अब चूंकि हमें 25 वाट के कितने बल्ब, यानी एक 25 का जो मतलब वैल्यू जो मान है वो 25 वाट का है, एक बल्ब कितने वाट का है 25 वाट का, तो N बल्बों का कितना पावर हो जाएगा, N गुणे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो P इक्वल टू N गुणे 25, इसको आप समझिए मैंने इसको यहाँ कैसे किया। देखिए हम लोग का पूरा मतलब पूरा पावर निकाला, चूंकि बल्बों की संख्या एन है और एक जो बल्ब है उसकी क्षमता कितनी है 25 वाट, तो चूंकि एन बल्बों यानी मान लीजिए एन मतलब क्या, वही मतलब 5 मान लेते हैं, ठीक है, मतलब मैं मान रहा हूं आप लोग इसको मतलब आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है, मान लीजिए 5 बल्ब है, ठीक है, और एक 25 मतलब 25 वाट ले रहा है, तो 5 बल्ब कितने लेंगे, दोनों मतलब 5 गुणे 25 हो जाएगा, तो उसी तरह P इक्वल टू हम लोग का पावर कितना हो जाएगा, एन गुणे 25, ओके गाइस। अब चलिए हम लोग एक फार्मूला होता है उसके थ्रू इसको हम लोग लगा लेते हैं, चूंकि आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे P इक्वल टू वी इंटू आई, आप लोगों ने फार्मूला ये पढ़ा होगा, ठीक है गाइस, इसी प्रकार के आप 3 फार्मूले पढ़े होंगे, तो ये आप लोग फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज करोगे। तो P इक्वल टू वी इंटू आई, अब देखिए P का मान हम लोग का N गुणे 25, तो P के जगह पे हम N गुणे 25 रख लेते हैं, इक्वल टू अब देखिए V का मान 250 वोल्ट है, तो 250 इसके जगह रख लेते हैं और गुणे आई, आई यानी वही धारा एम्पियर, ठीक है, तो 5 है, 5 एम्पियर है, तो यहाँ हम 5 रख लेते हैं, चूंकि हमें N का मान ज्ञात करना है, इस 25 को हम उधर ले जाएंगे, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, 250 गुणे 5 बटा, ठीक है, ये 25 अब इधर गुणा है तो इधर आएगा, तो हम लोग का भाग हो जाएगा, ठीक है, ये 25 से कटेगा तो 10 हो जाएगा, और 10 इस 5 में गुणा इक्वल टू 50, यानी एन क्या था हम लोग की बल्बों की संख्या, तो बल्बों की संख्या 50 होगी, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइज ये क्वेश्चन भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो कितने बल्बों की कितने बल्ब जल सकते हैं हम जला सकते हैं हम, तो हम लोग 50 बल्ब जला सकते हैं 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में। तो आई होप ये आप लोग का दूसरा जो क्वेश्चन है गाइज एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो देखिए मैं एक बार और मतलब आपको समझा देता हूँ, माना कि लिख लेंगे, माना कि 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में एन बल्ब जल सकते हैं, और चूंकि हम लोग का दिया है कि विभवांतर भी इक्वल टू 250 वोल्ट, आई दिया है 5 एम्पियर, चूंकि हम लोग का एक बल्ब का हमें शक्ति दिया है कितना 50 वाट, ठीक है गाइज, तो हम लोग का मतलब एन बल्ब माने हैं हम लोग, तो एक का 25 वाट है, तो एन का कितना होगा, 25 से उसमें गुणा कर देंगे तो उतना होगा, ठीक है गाइज, तो P इक्वल टू N गुणे 25 हो जाएगा, और चूंकि हम लोग का एक फार्मूला होता है P इक्वल टू वी आई, आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 इस प्रकार के फार्मूले होते हैं, तो उसमें ये शायद पहला फार्मूला होता है P इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक है, चूंकि हम लोग का P का वैल्यू कितना है N गुणे 25, तो इसके जगह पर P के जगह पर N गुणे 25, वी का हम लोग का वैल्यू 250 है, आई का 5 है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 50 आंसर आ जाएगा। 50 कौन सा आंसर आएगा, N, हमने N क्या माना है, बल्बों की संख्या, यानी बल्बों की संख्या कितनी हो गई, 50 हो गई। तो चलिए आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है उसे हम लोग देख लेते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है गाइज, अगला हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो। क्या है कि देखिए दो प्रतिरोधों के मान क्रमशः 6 ओम एवं 3 ओम है, इनके ठीक है संयोजन से बनने वाले अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ दो फार्मूले होते हैं, एक देखिए आप लोग के एक समांतर क्रम का फार्मूला होता है गाइज और एक श्रेणी क्रम का, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब ओम पढ़ा होगा तो उसी के बारे में ये दोनों मतलब कॉम्बिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओके गाइज। तो ये एक समांतर क्रम होता है, एक श्रेणी क्रम होता है। समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1, ठीक है गाइज, 1/R2, ठीक है, प्लस 1/ मान लीजिए हम मैं Rn कर देता हूँ, यानी n बार, ठीक है, यानी जितने प्रतिरोध हो इतने 1/R1 1/R2 हम लेंगे, ठीक है गाइज। उसी प्रकार श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है वो होता है R इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस हम Rn कह देते हैं, यानी आगे
मतलब आगे ये बढ़ता जाएगा जितने हम लोग के प्रतिरोध होंगे। ओके, तो ये हम लोग का एक ये दो फार्मूला होते हैं। तो देखिए मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि देखिए अगर आप मतलब कम प्रतिरोध वाले न्यूनतम प्रतिरोध का मान मतलब निकालना चाहते हैं, जैसे यहाँ कर रहे हैं 6 mm 3 ohm को हम इसके संयोजन से बनने वाले अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम जो मतलब प्रतिरोध हैं उनको हम के इस क्रम में समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। और यही आपको याद रखना है कि न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम मतलब जो भी प्रतिरोध हो उनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो चलिए अभी सम क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले करें कि बनने वाले अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों की गणना कीजिए, तो अधिकतम प्रतिरोध कराए, तो चलिए यहाँ पर मैं हल लिख दिया, ठीक है। चूंकि लिखूंगा कि चूंकि नहीं देखिए लिख रहा हूँ सीधे कि 6 ohm तथा ठीक है 3 ohm के प्रतिरोधों से, ठीक है गाइज, प्रतिरोधों से प्रतिरोधों से बनने वाले 6 ohm तथा 3 ohm के प्रतिरोधों से, ठीक है, के प्रतिरोधों के संयोजन से लिखते हैं गाइज के क्वेश्चन के अनुसार कि 6 ohm तथा 3 ohm के प्रतिरोधों के, ठीक है गाइज, प्रतिरोधों के ठीक है संयोजन से बनने वाले क्या प्रति 6 ohm तथा 3 ohm के प्रतिरोधों के संयोजन से बनने वाले अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोधों की गणना। तो अधिकतम प्रतिरोध इक्वल टू, ठीक है, अधिकतम प्रतिरोध, क्योंकि पहले अधिकतम प्रतिरोध पूछा है, प्रतिरोध 1/ अधिकतम प्रतिरोध कर रहा है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा कि R1 + R2 ठीक है +Rn, ठीक है Rn कहे या .Rn कहे, ठीक है वही हुआ, ठीक है। तो चलिए R इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए प्रतिरोध हम लोग का एक 6 ohm है एक 3 ohm का है, तो एक 6 ohm + 3 ohm ठीक है गाइज, यानी यहाँ हम ohm कर दिए तो दोनों में कॉमन हो गया। अब देखिए यानी 6 × 3 = 9 ohm हो गया, ठीक है, ये हम लोग का 9 ohm, ये हम लोग का पहला आंसर हो गया। अधिकतम प्रतिरोध हम लोग की अधिकतम प्रतिरोध की गणना कर लिए कितना हुआ 9 ohm, ओके गाइज। और न्यूनतम प्रतिरोध तो वही हम लोग यहाँ नीचे आप लोग लिख लीजिएगा कि 6 ohm तथा 3 ohm के प्रतिरोधों के संयोजन से बनने वाले न्यूनतम प्रतिरोध 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 / 1/Rn, ठीक है। और दो प्रतिरोध है तो 1/R1 + 1/R2 और R1 के जगह पर आप क्या रख लीजिएगा कि 6। चलिए मैं हल कर ही दिखा देता हूँ, लाइक यहाँ देखिए आप लोग लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि 6 ohm तथा 3 ohm के प्रतिरोधों के संयोजन से बनने वाले न्यूनतम प्रतिरोध, उसके बाद लिखिएगा न्यूनतम प्रतिरोध 1/R इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 \1/Rn, ओके। उसके बाद हम लोग का दो प्रतिरोध है तो 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ एक 6 ohm का है और एक कितने ohm का है एक 3 ohm का, तो 1/ ये 3 ohm का, इसका दोनों का अब हम लसन ले लेंगे 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा इनका लसन 6 6, तो ये हम लोग का 1 और ये 3 × 6 यानी 1 2, तो 1/R इक्वल टू हम लोग का क्या हो गया फाइनली हम लोग का 1/R इक्वल टू 2 × 1 = 3 यानी 3/6 हो गया, ठीक है 1/R इक्वल टू, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा ये पलट जाएगा और ये पलट जाएगा, ये पलट जाएगा ये ऊपर का, यानी R इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3 यानी 3×6 यानी 2 ohm, ठीक है गाइज, यहाँ 2 ohm जरूर लिखिएगा। यानी न्यूनतम प्रतिरोध हम लोग का 2 ohm हो गया और अधिकतम प्रतिरोध इधर हमने निकाला था कितना 9 ohm, ओके गाइज। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और गाइज अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप लिंक है, जाइए उस व्हाट्सअप से जुड़ जाइए और अगर आपका कोई भी मैथ का क्वेश्चन है तो उस पर सेंड कर दीजिएगा, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बस थैंक यू।